फिल्मों में देखा होगा जब विलेन हीरो से बोलता है, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, यानी कि अंतिम इच्छा तो अपना विलेन भी पूरी कर देता है। फिर एक पति अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा कैसे ना पूरी करे। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स की बीमार पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। वह अपने फीमेल डॉग से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। अस्पताल में पालतू जानवर लाने पर पाबंदी है, लिहाजा वह पति सूटकेस में डॉग को पैक कर अस्पताल पहुंच गया। उस शख्स ने ऑनलाइन वेबसाइट रेडिट पर यह दास्तां सुनाई। उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी, एक गंभीर सर्जरी से गुजरी थी। वह हालत ठीक नहीं थी, वह खाना खा पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में वह अपनी फीमेल डॉग को एक बार देखना चाहती थी। इस दंपति का फीमेल डॉग ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड नस्ल का है। घर जाकर पति ने तय किया कि वह डॉग को पत्नी से मिलवाने लेकर जा रहा है। उसने सूटकेस की जिप खोली और कुत्ते से कहा कि चलो तुम्हें मॉम से मिलना है। डॉग अपने आप ही सूटकेस में बैठ गया। वह अस्पताल तक चुपचाप बैठा रहा। चेकिंग के दौरान जब पति से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ जरूरी सामान लेकर जा रहा है। पति ने सूटकेस अस्पताल के वार्ड में जाकर खोला। डॉग सीधे अपनी माँ के पास चला गया, यानी मालकिन के पास। उसे प्यार करने लगा। अब वो महिला जिंदा नहीं है। उसके पति ने इस पोस्ट की अंतिम पंक्ति में लिखा है कि अब भी जब जब वो उस सूटकेस को खोलते हैं तो डॉग उसमें बैठ जाता है, मानो उसे आज भी वो सूटकेस उसकी माँ के पास ले जाएगा।